गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी हैव टू डू द टॉपिक ऑफ मल्टीपल्स. आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? मल्टीपल्स का, राइट? मल्टीपल्स, मल्टीपल्स, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल्स? सी, आप लोग टेबल्स लिखते हो. टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, टू थ्री ज़ार सिक्स, राइट? सेम लाइक दैट, टेबल ऑफ टू इज द मल्टीपल ऑफ टू. Table of 2 is a multiple of 2. Similarly, like this, 12. 12 divided by 2, it means that is the multiple of 2. See, हमने factor find out किए थे. Factors में हम क्या करते थे? हम check करते थे कि जो हमारा numbers हैं, जो हमारे factors हैं, right? जो हमारे factors हैं, वो given number को divide कर रहे हैं या नहीं. अब हमें क्या चेक करना है कि जो हमारे मल्टीपल्स हैं, लाइक हमें फाइंड करना है 2 के मल्टीपल्स, राइट? सो बाय विच, बाय द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 2. 4, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, and etc. They all are the multiples of. Now, 8. 2, 4, and 8. These are the factors. ये factors हैं. So, one also thing, कि factors में क्या होता था, कि हम जो number हमें given है, उनसे divide करते थे. वो check करते थे, कि इस number को वो divide कर सकते हैं या नहीं. लेकिन मल्टीपल्स में क्या होता है बेटा, आपको वो सभी नंबर्स लिखने होते हैं जो नंबर इस नंबर से डिवाइड होते हैं. बाय दिस नंबर द नंबर आर डिविजिबल बाय 2, राइट? सो मल्टीपल मींस द नंबर्स, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर आर कॉल्ड मल्टीपल्स. जो भी नंबर हमारे गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे वो सब क्या होंगे? मल्टीपल्स. नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स आर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, देयर आर लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, सेम लाइक दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट? सो नाउ properties of multiplication are like, first property, every number is a multiple of itself, like the factor, every number is a multiple of itself. Right, like the factor, every number is a factor of itself, and like the multiples, every number is a multiple of itself. Now, second property is, every number is a multiple of 1. Every number is a multiple of 1, right? Now third property, which was, every multiple of a number is either greater than, not less than, every number of, sorry, every multiple of the number, every multiple of the number is either greater than or equal to the number, or equal to the number.
every multiple of the number is either greater than or equal to the number. Means कि हर एक multiples जो होगा वो number का या तो number के equal होगा या number से greater होगा, less than नहीं होगा. Factors की condition क्या थी बेटा, कि every factor of the number is either less than or equal to the number. But multiples की condition opposite है, every multiple of the number is either greater than or equal to the number. Right? Now fourth one. Fourth property is number of multiples of a number are number of multiples of a number are can you count them? No, it means they are infinite. क्या होते हैं? Infinite. राइट, फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं. नाउ वंस अगेन, मल्टीपल्स क्या होते हैं बेटा, जो नंबर्स हमारे गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए. द नंबर विच आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर दैट वी कॉल मल्टीपल्स. लाइक द टेबल्स, 3 1 3 3 2 6 3. आप 3 को 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट? लेकिन फैक्टर्स जो थे वो क्या थे, अपोजिट. फैक्टर्स आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय गिवन नंबर. जो ये नंबर्स है ना, विच आर डिवाइड द गिवन नंबर कम्प्लीटली, वो फैक्टर्स होते थे. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स आर एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ. एवरी नंबर, हर एक नंबर जो है वो क्या है, मल्टीपल्स है खुद का. सेकेंड वन, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन. कि एवरी नंबर, हर एक नंबर का जो मल्टीपल है वो क्या है, वन. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन. कि वन से आप टू को मल्टीप्लाई करोगे टू, थ्री को करोगे थ्री, फोर को करोगे फोर. सो वन इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. नाउ थर्ड वन, एवरी नंबर ऑफ द नंबर, एवरी मल्टीपल ऑफ द नंबर इज, एवरी मल्टीपल ऑफ द नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. कोई भी मल्टीपल गिवन नंबर की या तो नंबर से ग्रेटर होंगे, 4 6 8 10 12, या इक्वल टू 2 2 ऑफ द गिवन नंबर. राइट, फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट. नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट. सॉरी, फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं. नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल. यू कांट काउंट देम, आप उनको काउंट नहीं कर सकते. सी 998 भी 2 से डिवाइड होता है, राइट? वो भी 2 का मल्टीपल है. सो इसलिए क्या है, इनफाइनाइट, हम उनको काउंट नहीं कर सकते. बहुत सारे हैं, फाइनाइट होता है लिमिटेड के लिए, अनफाइनाइट अनलिमिटेड. क्लियर? सो नाउ दिस ऑल यू हैव स्टडीड अबाउट मल्टीपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. Now come to exercise 6.6. Now we have to write the multiples of 8 between 20 and 16. Now see 8. Firstly 8 will be the multiples, but wo kya hai, less than 20. Then second 16, that one also less than, wo bhi kya hai, less than 20. Third one, 8 3 is 24. आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग लिखना है. 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64. वो क्या हो जाएगा, 60 से ज़्यादा. इसलिए मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन 20 एंड 60 आर 24 32 40 48 एंड 56.
अब आप कैसे चेक कर सकते हो दे आर करेक्ट और नॉट, यू विल डिवाइड विद देम 8, 24 डिवाइड बाई 8 3, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 32 डिवाइड बाई 8 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। मल्टीपल्स को नंबर्स को मल्टीपल से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर ये दोनों कम्प्लीटली जो नंबर है आपका वो मल्टीपल को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट मल्टीपल इज करेक्ट, राइट। सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, फोर्थ वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। नाउ फर्स्ट Now we have to write the multiples of 8 between 20 and 16. Now see 8. Firstly 8 will be the multiples, but wo kya hai, less than 20. Then second 16, that one also less than, wo bhi kya hai, less than 20. Third one 8 3 is 24. Aapko conditions ke according likhna hai, 8 4 is 32. 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, वो क्या हो जाएगा 60 से ज़्यादा, इसलिए मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन 20 एंड 60 आर 24, 32, 40, 48 एंड 56। अब आप कैसे चेक कर सकते हो दे आर करेक्ट और नॉट, यू विल डिवाइड विद देम 8, 24 डिवाइड बाई 8 3, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 32 डिवाइड बाई 8 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। मल्टीपल्स को नंबर्स को मल्टीपल से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर ये दोनों कम्प्लीटली जो नंबर है आपका वो मल्टीपल को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट मल्टीपल इज करेक्ट, राइट। सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, फोर्थ वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। नाउ फर्स्ट स्टेप इज डैश इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, हु इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, टेल मी, वन मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर वन। नाउ बी पार्ट, मल्टीपल्स ऑफ 12 आर आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन, रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड, मल्टीपल्स ऑफ 12 आर आइदर इक्वल टू और greater than, think about property third, what was that, every multiple of a number is either greater than or equal to the number, and here number is 12, so multiples of 12 are either equal to or greater than 12. Now see number of
मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर डैश. ऑप्शंस आर गिवन टू यू, फाइनाइट और इनफाइनाइट. टेल मी व्हाट आर द मल्टीपल्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट. इनफाइनाइट एंड फैक्टर्स फाइनाइट. राइट नाउ डी पार्ट 72 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. वन लाइन इज गिवन टू यू और यू कैन से वन कंप्लीट स्टेटमेंट इज देयर. 72 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देयर अगेन वन स्टेटमेंट, देन डैश इज अ फैक्टर ऑफ डैश. नाउ आई टोल्ड मल्टीपल्स में क्या होता है, हम चेक करते हैं कि इस नंबर से 72 डिवाइड हो सकता है या नहीं. बट फैक्टर्स में हम क्या करते हैं कि 72 जो है वो 6 का फैक्टर है या नहीं. अगेन वी विल डिवाइड, सो देन 6 इज अ फैक्टर ऑफ 72. राइट, क्योंकि फैक्टर्स क्या होते हैं, लेस देन द नंबर्स. ई पार्ट अगेन 12 इज अ फैक्टर ऑफ 108. देन डैश इज अ मल्टीपल ऑफ डैश, मल्टीपल ऑफ डैश. टेल मी 12 इज अ फैक्टर ऑफ 108, देन 108 इज अ मल्टीपल ऑफ 12. क्लियर, दिस इज द फिलअप्स ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टिक येस और नो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. देर आर फ्यू स्टेटमेंट्स गिवन टू यू. फर्स्ट फर्स्ट इज ए पार्ट, इज एवरी नंबर अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, इज एवरी नंबर मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ. टेल मी येस और नो. फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे, येस एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ. नाउ बी, इज एवरी मल्टीपल ऑफ द नंबर इक्वल टू द नंबर. नो, नॉट एवरी मल्टीपल, इज एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इक्वल टू द नंबर. नो, एवरी नहीं होगा, यहाँ आप सिर्फ एक ही होता है, सो वर्ड कम्स नो. नाउ सी, इज एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर smaller than the number, smaller than the number. Is it possible? Is every multiple of a number is smaller? No, every multiple of a number is greater than the number or equal to. Now D, can a multiple of a number, can a multiple of a number be greater than the number, be greater than the number. Tell me yes or no. Yes, multiple of a number is greater than the number. Clear. Today we will discuss all about the multiples. Tomorrow we will discuss about the LCM. What do you mean by LCM? LCM is least common multiples. What is LCM? LCM is least common multiple. So there are something about LCM also. LCM 24 is the least common multiple of 8 and 12. Right?
सो वी विल डिस्कस द एलसीएम बाय टू मेथड फर्स्ट, लिस्टिंग मेथड्स एंड देन इज कॉमन डिविजन मेथड, राइट? वी विल डिस्कस द एलसीएम बाय टू टाइप्स, लिस्टिंग मेथड एंड कॉमन डिविजन मेथड. दिस विल स्टडी टुमारो.